टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता, ये गॉड गिफ्ट है जिसे निखार कर आप अपनी मनचाही मंजिल हासिल कर सकते हैं। इससे तो कहा भी गया है कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात। महज 2 साल की उम्र में देवाग्य पर ड्रमिंग का ऐसा क्रेज चढ़ा कि उन्होंने इसी में नाम कमाने की ठान ली। और इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। अल्लामा इकबाल का ये शेर 6 साल के लखनऊ निवासी देवाग्य दीक्षित पर दुरुस्त बैठता है। दूसरे बच्चों की जिंदगी सिर्फ खेल और पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती है, उस उम्र में देवाग्य ने अपने हुनर का देश ही नहीं दुनिया में भी लोहा मनवाया है। ड्रम और स्पोर्ट्स बॉय की तरह पहचान बना चुके देवाग्य सोशल एक्टिविस्ट भी बन चुके हैं। ये वंचित बच्चों को ड्रम भी सिखा रहे हैं। इसे देखकर KGMU के आई बैंक ने उन्हें 5 साल के लिए वेलनेस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनके नन्हे हाथ जब ड्रम पर चलते हैं तो बड़े बड़े दंग रह जाते हैं। सर, आपको बताया मुझे चश्मा कैसे लगा? पहले मैं टीवी बहुत ज्यादा देखता था, इसे मुझे चश्मा लग गया। अच्छा। और अब से मैं बोलता हूँ कि ड्रमिंग कुछ नया सीखो, सब टाइम मोबाइल पे मत पड़े रहो। फाइटर जेट पायलट बनने की ख्वाहिश रखने वाले देवाग्य कहते हैं कि जब भी किसी कॉन्टेस्ट या इवेंट में जाता था वहाँ गेस्ट में VIP लोग ही होते थे। वो मेरे टैलेंट को सराहते तो थे लेकिन मैं उनके साथ ड्रम बजाना चाहता था जिन्होंने कभी ड्रम नहीं देखा। ये बात मैंने माँ को बताई। उनकी माँ का कहना है कि देवाग्य ने महज 1 साल 10 महीने की उम्र में 1 मिनट से भी कम समय में यातायात के 51 साधनों के नाम बताकर मेमोरी कॉन्टेस्ट में रिकॉर्ड बनाया था। सबसे पहले तो आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि बेटा तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कहाँ से आपने सिखाया है उसको ड्रम, कैशियो और जो तबला वो बजाता है? सर, इट्स सो हैपेंड जब ये 1 साल 10 महीने के थे इन्होंने अपना पहला नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड स्थापित किया था और उस रिकॉर्ड पे ही इनको ग्रैंड मास्टर्स टाइटल अवार्ड हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन UK से। तो जब इन्होंने वाला रिकॉर्ड बनाया तब हमको ये लगा कि शायद ये और कुछ भी सीख सकते हैं क्योंकि एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है। हमें लगा कि हम जब तक इसको चैलेंज करते रहेंगे तब तक ब्रेन कैपेसिटीज़ बढ़ती रहेंगी। जब 2 साल के थे और जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने फटाफट बीट पकड़ ली और वो सिर्फ सुन करके, सीख के नहीं, तो धीरे धीरे हमने इनको इस चीज़ में इंड्यूस करना चालू करा, सिखाना चालू करा। 3 साल 2 महीने की उम्र में इन्होंने अपना पहला स्टेज शो दिया और उस स्टेज शो की बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताऊंगी। हमें जो फ्रंट रो में लोग बैठे थे उनमें से एक ने उठ के कहा ये तो बड़ा आसान था, ऑटोमेटिक ड्रम लगा दिया, खुद बज रहा था। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इतने छोटे थे, खड़े होकर ड्रम बजाते थे और तभी भी ड्रम के पीछे दिखते नहीं थे, तो तब से ये बजा रहे हैं। देवाग्य के नाम पर विश्व में कई रिकॉर्ड भी दर्ज है, जैसे न्यूनतम समय में यातायात के अधिकतम साधनों को पहचानने का रिकॉर्ड, न्यूनतम समय में अधिकतम विश्व धरोहरों को पहचानने का रिकॉर्ड, 1 मिनट में अधिकतम कारों को उनके रियर व्यू से पहचानने का रिकॉर्ड, अधिकतम इमोजियों को 1 मिनट में पहचानने का रिकॉर्ड, रॉयल इनफील्ड के सभी हिस्सों को 1 मिनट में पहचानना, 1 मिनट से भी कम समय में 1 से 100 तक की फ्रांसीसी गिनती को याद करने में दर्ज रिकॉर्ड के साथ ही साहित्य के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 1 मिनट में पहचानने में भी देवाग्य दीक्षित माहिर है। कहते हैं कि टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता और आज हम लखनऊ में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, 1-6 साल की उम्र का बच्चा इतना अच्छा ड्रम बजाता है जिसको शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें इन्होंने 2 साल की उम्र से ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया था और लगातार खुली आंखों के साथ साथ ये आंखों में पट्टी बांधकर भी ड्रम बजाते हैं। और इनके बारे में आपको बता दें सबसे पहले कि इनको 17 नेशनल अवार्ड, 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वहीं इनको लंदन में ग्रैंड मास्टर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो आइए सीधे आपको रूबरू कराते हैं लखनऊ में रहने वाले देवाग्य दीक्षित से। देवाग्य, बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन TV में आपका। थैंक यू सर।
इतना अच्छा ड्रम बजाते हैं, कहाँ से सीखा है, किसने मोटिवेट किया आपको? मेरे मम्मी पापा ने मोटिवेट किया। अच्छा, क्या कहा मम्मी पापा ने? कि तुम अब ड्रम सीख सकते हो, अगर अच्छे से करोगे तो भी मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, अगर अच्छे से नहीं करूँगा तो फिर नहीं होंगे। तो हम देवागी की मदर से भी बात करेंगे कि आखिर इस बच्चे के अंदर उनको कब लगा कि मेरा बच्चा एक अच्छा ड्रमर बन सकता है, और कितना सपोर्ट करती हैं वो उनको इसके ड्रम को लेकर, पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करती हैं। कैसी हैं मैम आप? सब बढ़िया सर। वेलकम टू ऑनलाइन टीवी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि बेटा तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कहाँ से आपने सिखाया है उसको ड्रम, कैशियो और जो तबला वो बजाता है? सर, इट्स सो हैपेंड, जब ये 1 साल 10 महीने के थे, इन्होंने अपना पहला नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड स्थापित किया था, और उस रिकॉर्ड पे ही इनको ग्रैंड मास्टर्स टाइटल अवार्ड हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी लंदन यूके से। तो जब इन्होंने वाला रिकॉर्ड बनाया तब हमको ये लगा कि शायद ये और कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है। हमें लगा कि हम जब तक इसको चैलेंज करते रहेंगे तब तक ब्रेन कैपेसिटीज़ बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आरएनआई टीवी से बात करने के लिए, और देवागे के ब्राइट फ्यूचर के लिए आरएनआई टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बहुत आगे जाए और तरक्की करे और देश का नाम रोशन करे। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी देवागे की मदर। देवागे मात्र 6 साल की उम्र में इतना अच्छा ड्रम बजाता है जिसे शायद लोग सपने में भी सोच नहीं सकते, और इसी के साथ साथ देवागे लगातार सोशल वर्क भी कर रहा है जो तमाम लोगों को अवेयर कर रहा है और कला को लेकर आगे चल रहा है कि कला को भी हमें जीवित रखना है और लोगों तक पहुंचाना है। संदीप खेर कैमरा पर्सन, साहनी के साथ आर9 टीवी लखनऊ।